ओके okay. तो लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रेप्टिलिया का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे। ये इवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे रेप्टिलिया का। थोड़ा सा इवोल्यूशन पहले भी पढ़े थे कि रेप्टिलिया के पहले कैसे हुआ था इवोल्यूशन, पैरा रेप्टाइल्स और कुछ रेप्टाइल क्लास एक्सटिंक्ट हो गए थे, उनका डाइवर्जेंस ब्रांचेज दिखाए थे आपको फिगर में। और उसके बाद हम डायरेक्ट आ गए थे लिविंग क्लास जो है रेप्टिलिया के, उनके क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन में पहला जो था सब क्लास एनाप्सिडा। एनाप्सिडा का आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तीन ऑर्डर है एनाप्सिडा में, कोटिलोसोरिया, मीसोसोरिया एंड चिलोनिया। कोटिलोसोरिया और मीसोसोरिया एक्सटिंक्ट हो गया, चिलोनिया को डिस्कस किए जिसमें एग्जाम्पल था टर्टल। ये तो हो गया आपका एनाप्सिडा क्लास। उसके बाद द सेकेंड सब एनाप्सिडा सब क्लास, द सेकेंड सब क्लास वाज सैनेप्टोसूरिया एंड थर्ड वाज इस्थियोप्टेरिगिया। ये दोनों एक्सटिंक्ट हो गया। फोर्थ सब क्लास लेपिडोसोरिया जो कि लिविंग है, इसमें हम पढ़े थे ऑर्डर, तीन ऑर्डर थे, योस्चिया नहीं इसुचिया, इसुचिया हाँ इसुचिया, रिंकोसिफेलिया एंड स्क्वामेटा। तीन ऑर्डर था इसुचिया, 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 रिंकोसिफेलिया एंड स्क्वामेटा, जिसमें से इसुचिया एक्सटिंक्ट हो गया, रिंकोसिफेलिया और स्क्वामेटा लिविंग था। रिंकोसिफेलिया में बहुत ही देखते जाइए, ये रिकैप भी होता जाएगा आपको। रिंकोसिफेलिया में सिर्फ बचे हैं दो स्पीसीज आपका स्फेनोडोन का। ये दिखने में लगता है आपको लिजार्ड जैसा, लेकिन ये लिजार्ड नहीं है, ये रिंकोसिफेलिया अलग ऑर्डर है। एंड थर्ड वन वाज स्क्वायमाटा। स्क्वायमाटा में भी तीन सब ऑर्डर्स थे, लेसर्टिलिया, और स्क्वामेटा में क्या थे आपके, लिजार्ड, लेसर्टिलिया लिजार्ड है, और ओफिडिया जो था आपका स्नेक्स है। एंड थर्ड वन एम्फिस बिनिया, ये भी दोनों साइड से चल सकता है, मोशन कर सकता है, ये थर्ड ऑर्डर है, लिम्बलेस है। एंड आई जो है इसका रिड्यूस हो गया है, टिम्पेनम भी रिड्यूस्ड है, टेल इज ऑल्सो शॉर्ट, ठीक है। ये सब पढ़ लिए थे एम्फिसबिनिया। अब आते हैं हम, आपका चार क्लास हो गया, पांचवा क्लास जो है ऑर्को, पांचवा सब क्लास ऑर्कोसोरिया। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक? यस सर, यस। तो आर्कोसोरिया सब क्लास का जनरल करेक्टरिस्टिक्स आर द स्कल इज ऑफ डायप्सिड टाइप। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल करेक्टरिस्टिक है डायप्सिड टाइप का स्कल है इसमें आर्कोसोरिया में, लेकिन लेपिडोसोरिया में भी डायप्सिड था। ओके, तो इसका एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक नहीं है। अगर आपको डायप्सिड स्कल मिल जाए और कहे कि इसका आप बताइए कौन सा सब क्लास होगा, ऑर्डर होगा, तो आप नहीं बता सकते। डायप्सिड स्कल इज नॉट एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब क्लास आर्कोसोरिया। लेपिडोसोरिया में भी डायप्सिड है, लेकिन लिखोगे एग्जाम में तो स्कल तो सबसे इम्पोर्टेंट है करेक्टरिस्टिक, तो वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा इसमें। तो स्कल जो है डायप्सिड टाइप है, लेकिन आप ये भी समझ के रहिए कि डायप्सिड दूसरे में भी है। एंड लैक्ड इंटरपेराइटल एंड पेराइटल फोरामिना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरपेराइटल एंड पेराइटल फोरामिना। आर्कोसोरिया का स्कल आप देखे हैं, आर्कोसोरिया का एग्जाम्पल क्या है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का स्कल देखना पड़ेगा। अच्छा, इस पॉइंट पर हम बाद में आएंगे, मुझे याद दिलाना। क्रोकोडाइल का स्कल हम फिगर खोज के रखेंगे, फिर आपको उसमें हम दिखाएंगे। सम फॉर्म्स आर टूथलेस एंड इन अदर्स ओनली पैलेटल टीथ आर लॉस्ट।
पैलेटल टीथ कहां पर होता है? पैलेटल टीथ होता है, एक तो टीथ है आपका जो एम्फीबियन में होता है आपका माउथ के रूफ पर, उसको क्या बोलते हैं? वोमेराइन टीथ। एंड पैलेटल टीथ आर प्रेजेंट आपके जॉ में होता है प्रेजेंट। सॉरी सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? लग रहा था नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नो सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, पैलेटल टीथ आवाज आ रही है? नहीं आ रहा। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, साउंड आ रहा है आप लोगों को? नेटवर्क प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, आज सुबह से ही है। आ रही है आवाज? सॉरी सर, क्लियर वॉइस नहीं आ रही। क्लियर वॉइस नहीं है सर। Since morning this problem is there. उसके पहले वाली क्लास में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा था। क्या करें बताएं? क्या करें, वेट करें? अभी आ रही आवाज? अभी? हेलो सर, क्लियर नहीं। ओके एंड करके फिर से सर, पूरा क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, बात रुक रहा है। एंड करके रिस्टार्ट कर रहा है, काट कर लेना। एंड